जुगत में लगे समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट पर मंथन के साथ साथ जनता के मुद्दों पर शिवराज सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और इसके लिए 14 सितंबर को समाजवादी पार्टी प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन का कहना है कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर मध्य प्रदेश में लगातार दलित आदिवासी और महिलाओं के खिलाफ सामने आ रहे हमलों को लेकर 14 सितंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी जिला मुख्यालय पर धरना देने के साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है तो बीजेपी दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। धरना प्रदर्शन कर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित होगा। नीमच के मनासा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम बड़े नेताओं को 20 गाड़ियां फोड़ दी। पब्लिक इतनी आक्रोशित थी। भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म होने वाला है तो कांग्रेस सरकार बनाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और हर वर्ग के लिए कार्य किया है। अब समाजवादी पार्टी यदि कोई प्रदर्शन या धरना कर रही तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।